मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना नौवां बुर्ज, जिसको बुर्ज कौस कहा जाता है, और इसका सितारा सितारा मुश्तरी होता है। ऐसे अफराद जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज कौस से होता है। और बुर्ज कौस का जो लकी स्टोन है वो जर्द पुखराज होता है, और इनका लकी डे जुमे रात है। लकी इनका कलर जो है वो येलो कलर होता है, और लकी नंबर इनका 3 होता है। तो एक नज़र जो है इस माह के अंदर जो सितारे हैं उनकी पोजीशन क्या रहेगी उन पर डालते हैं। 22 दिसंबर को सितारा शम्स बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा। 2 दिसंबर को सितारा अतारत बुर्ज कौस में, 22 दिसंबर को सितारा अतारत बुर्ज जद्दी में, और 16 दिसंबर को सितारा जोहरा जो है वो बुर्ज अकरम कौस में दाखिल होगा, और 20 दिसंबर को सितारा मुश्तरी बुर्ज दल्व के अंदर, और 18 दिसंबर को सितारा जोहल बुर्ज दल्व के अंदर ट्रांजिट करेगा। और कमर अकरब 11 से 13 दिसंबर के दौरान रहेगा, और इस माह के अंदर एक सूरज ग्रहण होने जा रहा है, 14 दिसंबर की रात को होगा, और ये बुर्ज कौस के अंदर लगेगा। तो बुर्ज कौस वाले अफराद को इस माह के अंदर बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, स्पेशली 14 दिसंबर को जब ये ग्रहण लगेगा। इसके असरात 15 से 1-30 दिन के दौरान निकलते हैं। इस हवाले से आपने सदका खैरात ज़रूर करनी है और ज़्यादा करनी है, ताकि आप इसके बद असरात से महफूज रह सकें। अब हम शुरू करते हैं अपना नौवां बुर्ज, बुर्ज कौस। बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनके असेंडेंट यानी ताले के अंदर सितारा अतारत और सितारा शम्स मौजूद है। यहाँ पर इनका किरान भी होगा। सितारा शम्स 5 नौवें घर का मालिक है, और जो सितारा अतारत है वो इनके 7वें और 10वें घर का मालिक है, और सितारा मुश्तरी जो है ये इनके दूसरे घर के अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट महीना इनके लिए नज़र आता है। इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, राइटिंग के हवाले से, एग्रीमेंट के हवाले से, पब्लिशिंग कोई करना चाहते हैं बुक्स वगैरह या कोई आर्टिकल्स, उस हवाले से ये इनके लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकेगा। लेकिन इसको आप 14 दिसंबर से पहले कीजिएगा। 11 और 13 दिसंबर छोड़ देना, आपने 14 दिसंबर भी छोड़ देना है, क्योंकि ये नेगेटिव इसके अंदर रार की पोजिशन होगी इस हवाले से। और अपनी सेहत को फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये आपके असेंडेंट में लगेगा, तो असेंडेंट के अंदर ग्रहण का लगना ये सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस हवाले से मोहतात रहिएगा अपनी सेहत के हवाले से। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हम देखें तो सितारा जोहल जो है इनके दूसरे घर में मौजूद है, और साथ जुपिटर भी साथ मौजूद है, तो माली मामलात इनके बेहतर नज़र आते हैं। और ये सितारा मुश्तरी और सितारा जोहल ये ट्रांजिट करेंगे इनके तीसरे घर के अंदर, तो इस हवाले से इनके लिए राइटिंग के अंदर, आईटी के अंदर कोई काम करना ये बेहतर नज़र आता है, और मीडिया से रिलेटेड जो पर्सन है उनके लिए बेहतर होगा। इस हवाले से ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव नज़र आता है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी के मैटर को डील करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा साबित होगा, और जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करके 20 दिसंबर को ये दाखिल होगा थर्ड हाउस के अंदर। कैप्रिकॉर्न में इसकी पोजीशन वीक होती है, लेकिन यहाँ अक्वेरियस के अंदर ये बेहतर पोजीशन में होगा। तो जो अफराद प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ कीजिएगा, प्रॉपर्टी सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये तमाम चीज़ें करना आपके लिए बेहतर रहेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें, सितारा मरीक 5वें घर का मालिक अपने ही घर में मौजूद है, तो एजुकेशन के अंदर कामयाबियां नज़र आती हैं। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है,
और इसी तरीके से अगर आप कहीं आपका रिजल्ट क्लियर होता है तो आपके अच्छे मार्क्स में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम इनके मोहब्बत के हॉरोस्कोप को देखते हैं। मोहब्बत का हॉरोस्कोप इनका पॉजिटिव हो चुका है और मोहब्बत के मामलात के अंदर कामयाबी, बेहतरी, ये सिचुएशन नज़र आती है। पिछले दिनों में जो आपके और आपके महबूब के दरमियान क्लैशेज, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब वो ख़त्म हो सकती हैं। इस हवाले से आपका फिफ्थ हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से देखें तो सितारा अतारद अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहा है, साथ सितारा शम्स भी है। और वीनस जो है ये 16 दिसंबर को ये इनके असेंडेंट में आएगा, तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप शादी के मामला तय कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, निस्बत तय कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी और मुबारक साबित होंगी। और इसी तरीके से अगर हम इनकी बिज़नेस की बात कर लें, बिज़नेस के हवाले से ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी और मस्बत नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी इमिग्रेशन की, वीज़ा की। इस हवाले से अगर हम देखें तो 9वें घर का मालिक जो है वो असेंडेंट के अंदर पड़ा है, पॉजिटिव पड़ा है, अच्छा पड़ा है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पर आप फॉरेन में ट्रैवल कर सकते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से अगर इश्यूज आ रहे हैं वो आप उसको परसू करें, इंशाल्लाह इमिग्रेशन मिल सकती है। और अगर आपका इमिग्रेशन का जो केस है वो रिफ्यूज़ हो चुका है तो उसको भी आप परसू कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो सितारा अतारद इनके असेंडेंट के अंदर पड़ा है, साथ शम्स भी पड़ा है, तो यहाँ पर ये अच्छी पोजीशन में पड़ा है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो इसके 16 दिसंबर से सितारा जोहरा भी इसके साथ कंजंक्शन में आएगा, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इनकी जॉब के हवाले से चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं, जॉब के मामला बेहतर नज़र आएंगे। कोई नेगेटिव सितारे की एस्पेक्ट नहीं है। इस हवाले से जॉब के मैटर्स इनके अच्छे बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। ये था हमारा मुख्तसर ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।